और भैलुक, क्या हालचाल है यार? अब आपको पता कि यार मैं एक सस्ता स्नाइपर हूँ, लेकिन भैया आज मेरे को लग रहा था कि मैंने सुबह सुबह साहू चाचा को गलती से देख लिया था, और उसके बाद यार मेरी स्नाइपिंग भैया अलग ही लेवल की हो गई। शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो थोड़ी कम सस्ती हो गई, और साथ ही इस मैच को भैया लास्ट जोन तक लेके जाएंगे, तो वो सब सीन देख के आपको काफी ज्यादा मजा टाइप का आएगा। पर फिलहाल हम उतरे हैं उड़न खटोला महल में, और उतरते ही देखो क्या होता है। अरे एक ऊपर से गिरा। अब यहाँ उतरते ही तीन चार बंदूक हम लोग पेटी बना देते हैं, लेकिन भैया उतई में मेरी गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो दान करे दानी रक्षा करे मां भवानी, तो डीटी से गोली लेता हूँ और देखो फिर आगे। और ये बंदा अपने टीममेट को रिवाइव करने जा रहा था जो कि नीचे पड़ा हुआ है, तो भैया हम भी नीचे जाते हैं और देखो कैसे निपटाते हैं। एक नंबर। आंखें ना फाड़ पगली, दिल को आराम दे, मुझे क्या देखती है अपने वाले पे ध्यान दे। तो भैया फाइनली यार उड़न खटोला महल में जितने भी बंदे उतरे थे सबके हम पेटी बना देते हैं, और यहाँ से लूट लाट के मैं सीधा पोचंकी की तरफ जाता हूँ। अब जैसे मैं पोचंकी आता हूँ तो भैया घरों के दरवाजे पूरे बंद पड़े थे, तो मेरे को लगा यहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन फिर अचानक से ये होता है। बंदे बंदे। अब पीछे से गोलियां चलने की आवाज आती है, यानी कि दो टीम में भैया विवाद स्थिति बनी पड़ी है, लेकिन यार यहाँ पे एक्चुअल में तीन टीम होती है, तो हम लोग फटाफट गोली वाली जगह में आ जाते हैं। और यार यहाँ पे आते ही मुझे एक बंदा भी दिख जाता है, लेकिन तभी मुझे लेफ्ट से फुटस्टेप आती है, तो पहले उसको देखा जाए। पीछे जा रहा है। और ये हमारे सम्मानीय आदमी बोर दादा होते हैं, लेकिन भैया घर में असली बंदे होते हैं, तो मैं एक बम बबूरा ट्राई करता हूँ और देखो क्या होगा। अबे भाई क्या कर एक नंबर। और बम बबूरे से एक नहीं दो दो बंदे फट जाते हैं, तो इस बात में एक लाइक तो बनता है। ठीक कर रहा है। देखो रहे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, फौजी ग्रोजा से पेटी बनाता है, तो यार फाइनली इनकी भी हम पेटी बना देते हैं। लेकिन भैया एक टीम सकॉट हाउस में भी बैठी पड़ी है, तो मैं यहाँ आता हूँ और फिर और यहाँ धोखे से हेडशॉट नहीं लगता, और अब उस बंदे ने भैया एडब्ल्यूएम की आवाज सुन ली है, तो वो मुंडी भी नहीं दिखाएगा। तो मैं सोच रहा था कि यार निंजा टेक्निक ट्राई करूं, तो मैं इस घर के पास आता हूं, लेकिन तभी मुझे सामने वाले घर से फुटस्टेप आती है, तो मैं बोलता हूं भैया पहले पीछे वालों को पेल जाए। तो मैं इस घर में आता हूं और देखो वो बंदा कहां होता है। ऐड करो यहाँ पे है, देखो एनिमीज अहेड। दो बंदे और बंदा मुझे पीछे की तरफ भागते हुए दिख जाता है, जो कि इस घर में आ चुका है, तो देखो यार कैसे निपटाते हैं। और फाइनली इस भाई की भी हम पेटी बना देते हैं, और अब सिर्फ एक टीम बची है जो कि सकाउट हाउस में होती है, तो मैं भैया निंजा टेक्निक ट्राई करने यहाँ जाता हूँ और देखो यार क्या होगा। मैं नहीं देख रहा हूँ, ग्लिच हो रहा है। रोग बनने की कोशिश। और यहाँ भैया दो बंदे होते हैं, एक ऊपर वाले छत में एक नीचे वाले में। नीचे वाले से कोई भी टेंशन नहीं थी, लेकिन ऊपर वाला मेरी कभी भी पिटी बना सकता है, तो मैं सोच रहा था कि यार यहाँ से कूद काट के भैया एक छप्पड़ वाले घर में जाऊं, लेकिन लैंडिंग हो जाती है मेरी थोड़ी सी फेल, और वो बंदा भैया हवा में मेरे को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था, तो मैं पट्टी लगाता हूँ और ढीठ होने के कारण दोबारा निंजा टेक्निक ट्राई करता हूँ। लेकिन इस बार मैं टीममेट से बोल के भैया समोक भी करवा देता हूँ, ताकि मैं उस छत में आराम से कूद सकूँ, और देखो। जोन आ चुका
और दो दो बार निंजा टेक्निक ट्राई करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता तो मैं बोलता हूँ भैया डायरेक्ट घुसना पड़ेगा यार अब, क्योंकि जोन आ गया था। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट केयर लगाता हूँ जो कि मुझे फर्स्ट केयर लगती है, लेकिन भैया रहती पेन किलर है और उस वजह से देखो पेटी बनते बनते बचती है। फोन किधर संभालेगा? तब से रस्सी नहीं कर रहे बेटा, तू मत समझ मुझे नाचता हुआ मोर, बना दूंगा पोपट, जितनी चालें चलनी है चल ले, कर दूंगा सारी चौपाट। और फाइनली यार भैया इस टीम की भी हम पेटी बना देते हैं, और यार जॉन आ चुका था तो भैया फटाफट पेटी लूट लाट के मैं सीधा यहाँ से निकल जाता हूँ। और अब आपको देखने को मिलेगा इस दुनिया का भैया सबसे ज्यादा बेशरम व्यक्ति, या बोला जाए तो यार बिल्कुल निडर इंसान। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देखो यार आप खुद ही। अब यहाँ हमें आगे एक बंदा देखता है तो मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ भैया गाड़ी रोक, तो टीममेट बिल्कुल सड़क में रोक देता है। खैर उसके बाद मैं गाड़ी लगाता हूँ और बंदे को देखता हूँ तो एक बंदा मुझे दिख जाता है, लेकिन मैं चौतरफा चेक करता हूँ कि भैया कोई और भी तो नहीं है, लेकिन यार कोई भी नहीं दिखता। तो मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ भैया गाड़ी चलाओ, अगर वो स्प्रे करेगा तो मैं भी करूँगा। तो हम आगे जाते हैं और फिर ठीक है कर लिया कैम अकेला। और ये भाई पता नहीं क्यों अकेले के लिए कैम कर रहे थे भैया, मौत का कोई खौफ है नहीं है। खैर देखो जो भी हो इनकी हमने पेटी बना दी और यहाँ से हम निकलने लगते हैं, लेकिन तभी मैं सोचता हूँ कि यार शायद कोई आएगा तो एक बार चेक कर लिया जाए ब्रिज में और, लेकिन कोई भी नहीं दिखता। पर तभी मुझे यार एक जहाज दिख जाती है जिसमें भैया महंगी सी सकिन भी लगी हुई थी और साथ ही फिर कुछ बंदे भी दिख जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आप दुनिया का सबसे सस्ता स्प्रे, क्योंकि भैया पाउडर कुछ ज्यादा ही लगा लिया था जस्ट अभी। अच्छा इधर ये इसी के साथ वाले होंगे, लेट गया एक ओ भाई दो 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 स्प्रे दे। जा रहे घर में भी है, घर में भी, घर में भी बोलिए। अरे अरे इतनी खूबसूरत बला के लिए गोली भी खा लूंगा, तुम कहो तो स्नाइपिंग भी अजमा लूंगा। तो यहाँ पे भैया मैं स्नाइपर बनने की कोशिश कर रहा था, बोला जाए तो भैया हीरो बनने की कोशिश कर रहा था और ले लिए यार। पर टेंशन नहीं लो अब देंगे। और फाइनली इसकी भी हम पेटी बना देते हैं। खैर देखो भैया आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि श्राउड के एक भी गुण नहीं दिख रहे हैं इसके अंदर, और इस श्राउड की बातें कर दिया स्टार्टिंग में, तो भैया अब देखेंगे, टेंशन नहीं लो यार। तो मैं यहाँ से आगे जा रहा था और आगे मुझे कुछ बंदे दिखने वाले हैं, और देखते जाना भैया आप स्नाइपिंग ध्यान से। बंदे जो नहीं हारा उसे भी हराएंगे, AWM का नाम सुने हो बेटा, अपन वो चलाएंगे। तो यार यहाँ पे देखो भैया बोला था कि बिल्कुल हल्के मत लेना मेरे को, तो मैंने दो बंदे लॉक कर दिए हैं, इसका मतलब मैं भैया हीरो बन चुका हूँ। और जब भी मैं हीरो बनता हूँ तो आपको पता कि यार मेरी तुरंत बेइज्जती होती है, तो देखो अब दोबारा पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे। अरे अरे
और यार आप मानो चाहे ना मानो भैया, ये बेइज्जती पाउडर के चक्कर में हो रही है। कुछ ज्यादा ही छिड़ा कर लिए थे यार, पूरी स्क्रीन में उंगलियां फैसा हो रही है भैया, और उस कारण यार मैं स्प्रे ढंग से नहीं कर पा रहा। खैर अब ये ना पूछने लगना कि भैया कौन सा पाउडर यूज करते हो, हमें भी बता दो, हम भी करेंगे। कोई जादुई पाउडर नहीं है भैया, पॉन्ड्स पाउडर लगाते हैं अपन। खैर यहाँ पे यार उनके बंदे भी रिवाइव हो जाते हैं और मेरे बंदे भी रिवाइव हो जाते हैं, यानी मैं और डीटी भी। तो मैं स्मोक करके पीछे की तरफ फॉल बैक करता हूँ, लेकिन उतने में ही ये होता है। भाई साहब थर्ड पार्टी हो गई इनसे, थर्ड पार्टी हो गई, फेल रहे हो भाई। और यहाँ गोलियों की आवाज से और किल फीड देख के पता चल जाता है कि भैया किल चोरी हो गई और थर्ड पार्टी हो चुकी है, तो जो बचे हैं उनको ही मार ले भाई। चलो चलो जोन आ गया जल्दी, एक के दो अगर दे सकते हो तो यहीं से लड़ लो ना थोड़ी देर का, जोन में तो है गाड़ी, देखो वरा अबे मार दी। और यहाँ पे जैसे तैसे भैया दो किल मिल ही जाती हैं, लेकिन जो सामने बंदे हैं उनकी स्नाइपिंग आपने देख ली होगी, कम सस्ती नहीं है, डीटी को दौड़ते दौड़ते पेल दिए। तो यार थोड़ी इज्जत बचाने की हम भी कोशिश करते हैं और देखो क्या होगा। ये रहा गाड़ी के उधर, मेरे को तो और यार ये रिच ग्लिच है भैया, सस्ती स्नाइपिंग नहीं है, उसको गोली नहीं लग रही यार। अरे हम लोग जोन में है, पर जैसे तैसे आखिरकार एक को रगड़ ही देता हूँ, लेकिन भैया अभी भी वो काफी ढीठ है, तो स्नाइपिंग करना छोड़ नहीं जाए। और भैया पीछे भी एक बंदा जाता है जो कि थोड़ी देर बाद फ्लैंक करेगा, तो अब आप यहाँ से ध्यान से देखना क्योंकि कमेंट्री थोड़ी कम होगी। पीछे से बंदा इधर इधर, ये क्या चला रहा है वे? पान के पास से रह रही बोलिए, मैं थोड़ी गाड़ी आगे इधर जोन में ले रहा हूँ। पीछे वाला फ्लैंक कर रहा है, पेड़ के पास है, दूसरे वाले पेड़ के पास लेट गया। यहाँ से देखो ओपन जा रहे हैं, नॉक जाएगा वो, एक नंबर। एक और आया, वो मेरे से बंदा फ्लैंक कर रहा है। वॉच आउट वॉच आउट, कहां आगे फ्लैंक करते करते पीछे 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 फौजी ब्रो यहां पे फ्लैंक कर लिया। अब आगे एक बंदे को मैं नॉक करता हूँ, लेकिन भैया एक स्मोक में छुप जाता है, और फिर पीछे वाला भी फ्लैंक फ्लूंग करके भैया हमारे बिल्कुल पास आ जाता है। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ पीछे वाले को तुम संभाल लो, मैं आगे वाले को देख रहा हूँ, और देखो फिर हम जोन में हो जी भाई, इजी इनको आने दो। ओ भाई जोन में हम, हाँ अभी नहीं, अब एडब्ल्यूएम वाले चाचा नॉक है जो कि कहर मचा रहे थे, लेकिन बाकी के टीममेट दिख नहीं रहे हैं। ओके मार्क द लोकेशन, एक नंबर। और अब सिर्फ दो बंदे बचे हैं जिनमें से एक बंदा लेटा हुआ दिख जाता है। अरे ये रहा, ये दिख रहा, ये दिख रहा, जिंदा है, दिख रहा, दिख रहा, जिंदा है, मारो उसको, लास्ट है वो। अब ये पत्थर वाले बचे, वॉच आउट। और अभी भी दो बंदे बचे हैं जिनमें से एक बंदा भैया नॉक है, तो एक बचा हुआ है वो उसको रिवाइव करने जाएगा और हम पेलेंगे। भाग रहा ओपन में, ओपी तू नया नया है बेटा, मैंने खेल पुराने खेले हैं, जिन लोगों के दम पे तू उछलता है वो मेरे पुराने चेले हैं। और मैंने काफी बार बोला हूँ कि भैया शायरी और डायलॉग बाजी को लेकर बुरा मत माना करो यार, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बोलता हूँ, तो भैया काहे बुरा मानते हो यार, एटीट्यूड नहीं है ये। तो भाई लोग इसी के साथ हो जाता चिकन डिनर, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक जरूर करना, और चैनल में नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाओ, मजा टाइप का जाएगा, और साथ ही इंस्टा में भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं कौन नई वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।